नाथद्वार के पूर्व विधायक और भीलवाड़ा के पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव डॉक्टर सीपी जोशी के 59वें जन्मदिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सीपी जोशी के नाथद्वारा राजसमंद आने पर जबरदस्त उत्साह देखा गया और सीपी जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ढोल शहनाइयों से स्वागत किया गया। फिर वो श्री नाथ जी के राम भोग झांकी के दर्शन किए। वहीं जोशी का मंदिर परंपरागत अनुसार तिलकायत पुत्र विशाल बाबा द्वार स्वागत सम्मान किया गया। दिन भर विभिन्न कार्यक्रम का दौरा किया गया। सीपी जोशी नाथ द्वार आने से और सरगर्मी तेज हो गई। युवा कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर सीपी जोशी के जन्म दिवस पर नाथ द्वारा लाल बाग चिकित्सालय में मरीजों को फल और बिस्किट और चॉकलेट वितरण किया गया और साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष कोमल पालीवाल ने बताया कि हर साल जन्मदिन पर सेवा की गतिविधियां की जाती हैं। इस वर्ष भी सेवा की गई। इस दौरान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कोमल पालीवाल, पार्षद सुरेंद्र सिंह, पूर्व पार्षद मोहन लाल मिश्रा, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता केशर सिंह, गौर सीमा, नीलेश शर्मा, विजेश कुमावत, सुभाष कृष्णलाल जागेड़, योगेश जोशी, दरियाव सिंह, राय सिंह, लोकेश राजकुमार चौहान, पवन राठौर, हितेश माली, सितेश सोनी, हरकृष्ण सोनी और कई युवक कांग्रेस जन उपस्थित थे। सीपी जोशी साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मनोकामना को लेकर प्रभु द्वारिकाधीश जी से प्रभु श्रीनाथ जी तक पैदल यात्रा, जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस सोशल वर्कर्स टीम, विधानसभा राजसमंद कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभु द्वारिकाधीश मंदिर से प्रारंभ की गई। कांग्रेस के सक्रिय पदाधिकारियों ने पदयात्रियों का माला पहनाकर स्वागत किया। पदयात्रियों में दिलीप जोशी, आनंद सिंह चौहान, राजकुमार बागोरा, हेमंत पालीवाल, दिलीप परविया, राकेश बागोरा, हिम्मत की नारायण गुजर, मुकेश नायक, विष्णु पालीवाल सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान से गिरधारी सिंह की रिपोर्ट।